तो जी बज चुके हैं रात के 10:30। मम्मी बाय बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सबका ध्यान रखेंगे, एंजॉय करेंगे। सारी का कुछ इस तरीके से है, हम कुछ इस तरीके से है, हड़बड़ी का माहौल और 4 दिन का ट्रिप है। वेलकम टू द न्यू व्लॉग। आई होप यू गाइस आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन, हैप्पी, हेल्दी, एंजॉयिंग वेरी वेल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। आज से 4 दिन के लिए आप लोगों को पूरा हमारा ट्रिप देखने को मिलेगा और ये वीडियो के एंड में मैं आपको पूरा का पूरा ये हमारा जो व्लॉग है उसका खर्चा क्या हो रहा है, कहाँ कहाँ जा रहे हैं, कितने कितने पैसे खर्च करे, वो सब दिखाऊंगा। तो एंड तक देखिए, एंजॉय कीजिए, मज़े कीजिए और कुछ ना कुछ जानकारी मिली हो तो लाइक करके शेयर कर देना और कमेंट करके सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। एंड तक देखिए, एंजॉय द व्लॉग। हमारी गाड़ी आ चुकी है, बाय बाय बाय, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, बाय बाय। चलो अभी सेट हो गए हैं सब लोग, मैं यहाँ पे एंड में बैठे लाए, देखते हैं अभी क्या होता है। One hour later. नीली पीली लाइट के साथ सारिका को ऐसा फीलिंग आ रहा है कि वो अभी बस में जा रही है चला ला। ठीक है गाइस, बहुत बढ़िया लाइट आते हुए और मैं कुछ इस तरीके से पीछे के एरिया में जबरदस्त। तो कल के वीडियो में आपने देखा ना, मैं पूछ रहा था आप लोगों को कि मैं कौन सा कैमरा लेके जाऊँ भाई, मैं मेरे DSLR में ही शूट करूंगा पूरा व्लॉग। तो क्लियरिटी मांगता अपने को है क्या? ओके बेटा बाय। तो जी बज चुके हैं 12:30 और हमारे कनिष्क जी जग चुके हैं चाका जाम, रास्ता नाप रहे और हमारे जो ड्राइवर साहब है वो यहाँ चाय पीने के लिए खड़े ले। वंदे मातरम। ये उठी अब ये दोनों बच्चे देखो, वंदे मातरम। आज पूरी रात गाड़ी में जगेंगे और फिर कल पूरा दिन वहाँ सोएंगे पहुँच के, वो फाइन भाई। देखो भाई, ये गाड़ी का हमने खर्चा दिया है 6,000 रुपये। 6,000 रुपये में हम लोग 2 कपल, 2 बच्चे और 1 इन्फंट और ये सब सामान लबाचा, ऊपर भी 2 सामान और फिर फ्लाइट का खर्चा वो फ्लाइट में बैठ के बताऊंगा। तो आप गिनने का कि हम लोग कितना खर्चा किए ले है, जितना हो सके उतना सस्ते में ही निपटा दिया है। ठीक है, अभी आप सोचेंगे ट्रेन में क्यों नहीं गए, तो ट्रेन में भाई इम्पॉसिबल होता है हमारे लिए कि सामान ही इतना है और वहाँ से फिर एयरपोर्ट जाने का भी, वो भी टैक्सी वो सेम ही होता है। इससे अच्छा इधर घर से डायरेक्ट एयरपोर्ट, कोई टेंशन नहीं अभी सोने का। चलो बाय बाय। से आलो के से आए अजना पे ले आ गोला स्वर्ते मालिता का मालिता ता मालिता एता एता por la calle anda con mini falda o si no sin nada मालिता सी। तो जी बज चुके हैं 4:15 और नींद हुई नहीं है बराबर, बाल देख लीजिए भाई के, चाका जाम पहुंच गए हैं एयरपोर्ट पे। इसका एयरपोर्ट है जो फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप छे तारी, तार के केवू छे, एक्साइटेड छो, ऊंघ आवे छे? हां इनका भी मुंह देख लीजिए। और हमारे कनिष्क जी तो बहुत ही चाका जाम मात्रा में मच्छर काट रहे हैं, आपको मच्छर काट रहे थे मैंने मार दिया। और ये देखो उस दादा ने शांति थी ने से खेल रहा था ना। तो जी हमारे कनिष्क का और हेजू का फर्स्ट इंटरनेशनल ट्रिप है, क्या बताना चाहते हो, एक्साइटेड हो? स्वंतु का भी इंटरनेशनल फर्स्ट है, इसीता का भी फर्स्ट है और इसका भी फर्स्ट है। वीजा सेटिंग कर रहा हूँ, PDF अच्छा। दिखानी पड़ेगी ना, तो बहुत देर है अभी, टेंशन मत ले, बहुत देर है, बहुत देर है। वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा आप लोगों को, बने रहिए, थोड़ी देर के बाद आएगा। स्टार कपल पधर चुके हैं और स्टार बच्चा आ चुका है स्टार के साथ। ओ माय गॉड, कियान, पापा, कियान, अरे वाह, मलका आयो, गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। क्यों लेट आया तुम? बहुत ज्यादा लेट हो, हम लोग आधे घंटे से खड़े हैं। आइए आइए, कैसे हो? हैं? ओ भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, इसमें से कितने लोगों का फर्स्ट इंटरनेशनल है, हाथ खड़े कीजिए। बहुत सारे लोगों का फर्स्ट है तो हम सिखाएंगे इन लोगों को कैसे होता है। आइए प्रस्थान करते हैं। डुमरिया जी, अब इसके बाद का स्टेप ये होता है कि ये स्क्रीन में आपको दिखाया जाएगा कि कौन सा नंबर है आपकी फ्लाइट। तो पहले टिकट देख, पहले टिकट देखने का, टिकट में आपके फ्लाइट का नंबर देखने का। आप अपनी फ्लाइट का नंबर है 1451, देख लेते हैं 1451। 1451 किधर है ढूंढो, इधर होगा, आप लोग अभी जाने वाले हैं। अभी उसके बाजू में क्या लिखा हुआ है, दुबई के बाजू में के, हाँ तो के यहाँ पे, ये क्या है, ABCD, तो के पे जाने का है। ओ माय गॉड, बहुत चलना है, चलना तो पड़ेगा। तो जी बज चुके हैं 4:45 और ये है अभी का सीनेरियो। हम लोग जा रहे हैं, क्या बोलते हैं, सिक्योरिटी में,
बहुत ही बढ़िया मात्रा में सिक्योरिटी होगा। देखना कितना है, फुल है। बोर्डिंग पास कहाँ है, दिखाओ आपका बोर्डिंग पास आ गया ना। हाँ, तो अभी वो सिक्योरिटी होने का है। ठीक है, तो इसके बाद का स्टेप ये होता है। यस बेबी, आपका सिक्योरिटी होगा। हाँ, इन लोगों को तो शॉपिंग ही करने का रहेगा, कहीं पे भी जाओ बस शॉपिंग शॉपिंग शॉपिंग। गणेश क्या करेंगे बेटा हम लोग, एंडिका क्या करने का है? खाली बोर्डर में सुपर सिक्योरिटी की लाइन इतनी लंबी है ना, कंटाल के हरके हो गए हैं सब लोग। आम थी हम डपोड़िया मारे। बोलती हूँ मैं, बस ही अच्छी है, जाओ तुरंत बैठ। तो भाई सिक्योरिटी का काम हुआ खत्म। बस ही अच्छी, अभी भी मैं बोल रही हूँ, अगर वहाँ पे बस जाती है ना तो मैं पहले बस ही प्रीफर करूँगी। लाइन और चेक इन क्या, हम क्या मावा मलाई लेके जा रहे हैं। कनिष कहाँ पे? कनिष देखो भाई स्ट्रगलिंग मोड में है, उसका टाइम चल रहा है अभी सोने का, कहीं पे भी कहीं भी सो जाएगा। तो डुबरिया जी यहाँ पे खत्म होता है हमारा सिक्योरिटी। टॉयज भी निकाला, पानी का बोतल भी निकाला। तो निकालते है ना भाई, तेरे पीछे इतनी मस्त लड़की है ना, क्या बताऊं यार तेरे को। घर न्यू लड़की लाया ना, इन ऊपर ध्यान आप चलवा मंडो। यस यस सॉरी। चलिए तो अभी हमारा जो इमिग्रेशन है वो क्लियर हो चुका है और हमें मिल गई है देसी गाय। देसी गाय कहाँ मिल गई है? नहीं, गाय गाय से कियान खुश हो गया क्योंकि उसको गाय बहुत पसंद है। पर ये गाय सीधा चॉकलेट देती है, पता है तेरे को? ये देख, ये सीधा चॉकलेट आ गई यहाँ पे, फ्लेवर वाली आती है। रिंकू जी चॉकलेट दो। तो जी ये है रिंकू जी, हमारी साली जी। अगर आपने इनको नहीं देखा है तो इनकी चैनल है, मैं हूँ रिंकू, रिंकूज किचन, रिंकू लखानी लिख दिया। हाँ, तो उनका चैनल देख लीजिएगा, मजा आएगा। उनका भी थोड़ा अलग पर्सपेक्टिव है, हमारा तो अलग अलग। अभी थोड़े दिन हम साथ में ही है पर हमारा वैसे कंटेंट अलग ही रहेगा क्योंकि ये खो जाते हैं वहाँ पे, हम खो जाते हैं वहाँ पे। हाँ, क्योंकि हमारा बच्चा बहुत रोता है, इनका बच्चा सो जाता है, ऐसा सब कुछ है। होता है होता है। हेजू कहाँ गई? इसको तो सब कुछ लेने का ही रहे। हेजू वेट, हेजू लेवानू नो, सारू लागे ने आ बधु, એટલે ઓ પૂછી જો। હેજો આમજો લિસન, આ બધું સેલ કરવાનું નો હોય, ખાલી ડિસ્પ્લે માં મૂકી। હા હેજો આમજો, મારી વાત સાંભળ, હજી આપણે 4 ડેઝ છે ને, હું તને લઈ દઈશ બધું। ઓકે ચલો લેટ્સ ગો। હેજો કો જીદ ઇતની પકડા ગઈ હે ના, યહાં યહાં તું લાઉન્જ લાઉન્જ કર રહા થા। યે દેખ, યે લા, ઇસસે અચ્છા વ્યૂ તેરે કો કહાં મિલેગા? છે એ લાઉન્જ માં ભી વ્યૂ હે, આ વ્યૂ નહીં મિલતા હે, મિલતા હે વહાં પે, વો લાઉન્જ માં ભી વ્યૂ મિલતા હે। એસા હે, હમ લોગ ગયે થે લાઉન્જ કા ટ્રાય કિયા હમને, પર વહાં પે ભીડ ઇતની જ્યાદા હે ના, મેરે ભાઈ ને મેરે કો બોલા અભી કુછ ઓર કર લે, પસીના હો ગયે ઇસકો। ગુડ થિંગ ઇઝ 2 રૂપિયા મેં ભરપેટ ખાના દેતે લાઉન્જ પર, પર વો મિસ હો ગયા, નેક્સ્ટ ટાઈમ રિટર્ન મે। ઠીક હે, ઓર હમારે કનિષ્ક ભાઈ ને તો રંગ રખ લિયા હે ભાઈ। મમ્મી अगर आप ये वीडियो देख रही हो तो कनिष्क बहुत बढ़िया है। मम्मी इतना टेंशन ले रही थी कि कनिष्क को ये करना, कनिष्क को वो करना। चलिए तो हम ऑर्डर करते हैं, ये देखिए प्लेन। खाना कम चमची ज्यादा आई है हमारे यहाँ पे और हमारा भाई यहाँ पे नॉनस्टॉप मात्रा में लपेट रहा है। चलिए यहाँ पे सारिका जी हैप्पी? कितने हैप्पी? बहुत हैप्पी है ना, वेरी गुड। यहाँ पे पोहा उड़ रहा है, कार्टून के साथ साथ स्पॉइल हो रहे हैं बच्चे, बट चलता रहता है। कनिष क्या खा रहा है बेटा? What are you eating? बहुत बड़ी एक दुविधा हो चुकी है, ये चल क्यों रही है वो मेरे को पता नहीं, टेंशन में चल रही है। इनके बैग में पावर बैंक रह गई है, तो अभी ऐसा होता है डुगरिया, अगर पावर बैंक आपके बैग में रह जाए ना तो आपको फिर ये बुलाते हैं और टाइम बिगाड़ते हैं और अपना अभी बोर्डिंग चालू हो गया है तो लोचा लग जाता है। ध्यान रखने का, तूने ध्यान रखा ना? वाह पूरा, देखो ये पहला एक्सपीरियंस है तो सबको बताना जरूरी है। इन्होंने ज्यादा ध्यान नहीं रखा, उनको ऐसा लगा हो जाएगा पर हुआ नहीं। पानी पीने का सीखना है, येजू को पानी पीना सीखना है। चल मैं सिखाता हूँ पानी पीने का। ठीक है चलो बाय।
गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं हमारे डेस्टिनेशन पे, दुबई आए हैं हम लोग। ये था हमारा पूरा ट्रैवल का जर्नी, सूरत से बॉम्बे, बॉम्बे से दुबई और दुबई से यहाँ पे हमारी होटल में। पहले आपको होटल का टूर करवा देता हूँ, रूम का, और उसके बाद बहुत अच्छी अच्छी वार्ता करनी है, तो बने रहिए। चलिए टूर बिगिंस। ये है हमारा वॉशरूम एरिया, बहुत बढ़िया सा बाथटब और वॉशरूम और मिरर विरर चकाचक। और यहाँ पे और एक मिरर है बहुत बड़ा सा। एंटर होते ही हमारे ब्यूटीफुल हबीबी यहाँ पे है। ये थोड़ा टेबल वेबल एरिया है। हमारा प्राम आ चुका है, बहुत काम किया है प्राम ने। सारिका जी, प्राम का काम कैसा था? अच्छा, बहुत अच्छा था। इम्पोर्टेंट है बच्चे के लिए, ठीक है, लेकिन मैं सजेस्ट करूंगी अगर कनिष्क जितना आपका बच्चा है तो फ्लाइट में बने तो ना कीजिए ट्रैवल, क्योंकि क्या है फ्लाइट की सीट इतनी छोटी आती है। अरे पर हमारी फ्लाइट नॉर्मल थी, हमारी फ्लाइट है ना थोड़ी, वो उसके बारे में बात करूंगा मैं। वो इंटरनेशनल फ्लाइट हमने ली थी, बट इंटरनेशनल में वो छोटी फ्लाइट ली थी हमने, बड़ी फ्लाइट तो होती वो थोड़ा आप देख लेना, क्योंकि मैंने 3 घंटे वो गोदी में निकाले ना और इतनी सीट में फीड कराना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, तो वो अपने हिसाब से देख लेना, हमसे वो मिस्टेक हो गई थी। ठीक है चलिए। और यहाँ पे ये बेड है बहुत बड़ा सा, दोनों बच्चे उठने नहीं वाले हैं मेरे को लगता है 2 या 3 घंटे तक, क्योंकि पूरी रात जगे है और वहाँ से भी पूरा दिन जगे है। और यहाँ आके भी हमको चेक इन थोड़ा लेट मिला, क्योंकि यहाँ पे यूजुअली क्या होता है चेक इन 2 बजे होता है, तो हम लोग पहुँच गए थे 11 बजे, उसके बारे में बात करता हूँ। वेट, ये है हमारा टेबल, ये है थोड़ा सिटिंग एरिया, और ये है हमारा थोड़ा सा ऑफिस एरिया, यहाँ पे मैं व्लॉग एडिट करूँगा, कपड़े वपड़े का सामान चकाचक। और ये थोड़ा वॉकिंग एरिया यहाँ पे, और ये है रूम, ठीक है, दिस इज इट। यहाँ पे व्यू इतना खास कुछ ज़्यादा है नहीं, आप देख सकते हो, ये है व्यू। हमको लगा था कि हमको थोड़ा ऐसा बुर्ज खलीफा वलीफा जैसा मिलेगा व्यू, वैसा कुछ मिला नहीं है, बट एनीवे वी आर हैप्पी बिकॉज ये हमने थोड़ा बजट में लिया है होटल, ठीक है। अभी बात करते हैं बहुत इम्पोर्टेंट, सारिका जी, वहाँ से जब निकले तब मैंने बता दिया था कि गाड़ी का खर्चा हुआ था 6,000 रुपये। उसके बाद हमने एयरपोर्ट पे, हाँ, हमने जो खाना खाया, जो हमने हमको आपको दिखाया वो इडली सांभर, वो हमारा था तकरीबन 1500 रुपये, 2000 रुपये का खाना सब लोगों का। उसके बाद हम लोग ने कुछ खर्चा किया नहीं। उसके बाद यहाँ लैंड हो जाने के बाद हमने 160 दिरहम टैक्सी दे के यहाँ पे आए हैं हम लोग, ठीक है। और उसके बाद तो कुछ खर्चा हुआ नहीं है, नहीं हमने लंच किया था ना। हाँ लंच किया था, लंच में थोड़ा बहुत खर्चा हुआ होगा 2-3 हज़ार रुपये का। तो यूजुअली क्या होता है कि बजट जब होता है 6 लोगों का, हमारे 3 कपल है, तो 6 लोगों की वजह से ये पूरा रूम हमने जो लिए है वो 3 रूम है, 3 रूम 50,000 रुपये में 5 नाइट। तो आप गिनती मार लो इतना चाका जाम डील मिला है हमको, बहुत बढ़िया। इसको तो अभी भी नींद आ रहा है, सो के उठी है फिर भी वो टाइम शेड्यूल थोड़ा टाइम शेड्यूल 1-2 घंटे 1-1.5 घंटे का चेंज है, ठीक है। यहाँ पे 1 घंटा लेट चल रहा है, 1.5 घंटा। और उसके बाद हमने ज़्यादा कुछ भी खर्चा नहीं किया है। फ्लाइट का हमारा खर्चा था 17,000 पर पर्सन, 17,000 रुपये। यूजुअली ये फ्लाइट 25,000 या 30,000 की होती है, क्योंकि वो फ्लाइट बड़ी होती है, और जब वो बड़ी फ्लाइट होती है तो बड़ी फ्लाइट में बैठने का भी अच्छी सीट होती है, और बच्चे लोगों के लिए आगे सोने का होता है। पर ये फ्लाइट छोटी थी, इंडिगो फ्लाइट थी, तो सस्ते में हमको मिल गई, क्योंकि हमारे साथ जो लोग आए हैं उन लोग पूरा बजट में चल रहे हैं अच्छा वाला, और हमको भी अच्छा लगा, क्योंकि कभी कभार कर कसर करना भी ज़रूरी है। हम रिंकू जी का कॉल आ रहा है, तो गाइज अभी शाम के बज गए हैं 5, क्योंकि मैं भी अभी ही उठा हूँ, अभी ये व्लॉग एडिट करूंगा, यहाँ के 5 बजे और यहाँ तो इंडिया के 6:30 बज गए हैं। अरे यार, कनिष्क और हेजू का पहला इंटरनेशनल था, पर कनिष्क ने तो टेक ऑफ और लैंडिंग में क्या रंग रखा है भाई। नहीं पहले पहले क्या हुआ, स्टार्टिंग में बहुत रोया, क्योंकि हमारी सीट, हम तीनों लोग अलग अलग जगह पे थे, हाँ। तो वो एडजस्ट करने में हमें थोड़ा टाइम लगा, और क्या है कि सब लोग आते रहते सबको डिस्टर्ब होता है, बच्चे रोते और हम भी बगवा जाते हैं पूरा कि क्या करे क्या नहीं। वो रोते के वो जब रोने लगता है तब फीड भी नहीं करता, तो वो सब थोड़ी सिचुएशन थी 10-15 मिनट के लिए, लेकिन सब हैंडल हो गए। पर मेरे को एक चीज बहुत ही मतलब दिल में खटक रही है कि जब छोटे बच्चे रोते हैं तो फ्लाइट में जब जो पैसेंजर्स होते हैं वो मुंह क्यों बिगाड़ते हैं यार, मेरे को रियली में से दर्द हुआ कि उन लोगों को ऐसा क्यों रिएक्शन मारने का रहता है कि ये ऐसा है, ये रो रहा है, ये चुप कराओ, ये वो है। हमें हमारा बच्चा रोता है तब हमें हमारे पे ही ध्यान देना है। लोग कोई को पसंद आएगा, कोई को नहीं आएगा, सबका अपना अपना है, लेकिन हमें हमारे बच्चे पे ही ध्यान देना पड़ेगा ना। ऐसा ही कुछ करेंगे, बट एनीवे हमको तो भाई ऐसा लगा कि कुछ पैसेंजर को समझना चाहिए कि छोटे बच्चे जब रोते हैं तो हमारे हाथ में नहीं होता है, तब मुंह नहीं बिगड़ने का, सॉरी अबाउट दैट, ठीक है। तो तकरीबन ऑल इन ऑल हमको ये ट्रिप यूजुअली पूरा फैमिली
तीन फैमिली को, हम फैमिली के वाइज बोलेंगे तो हमको हमारे फैमिली को ये ट्रिप तकरीबन 1 लाख रुपए में पड़ेगा 5 दिन का, 1 लाख या 1.25 लाख रुपए में। तो हाँ हाँ इतने में होगा, तो अभी हम 5 दिन घूमने वाले हैं, सब आ जाएगा, सब आ जाएगा उसमें, क्योंकि 17,000 की टिकट पर पर्सन। तो वो हम बारी बारी दिखाते जाएंगे बाद में, आप टोटल करके बताना कितना हुआ। समझ गए। तो ये है भाई, अभी तक तो 60-70 हज़ार रुपये हो गए होंगे, अभी ये 4-5 दिन में हमको सिर्फ इधर खाने का खर्चा है और आजू बाजू में घूमने का कुछ टिकट। बहुत ही 600 ग्लास मंगाया बार दीराम नो आले ले ये खारी खारी दूध भाजी। तो थोड़ा आप लोग मेरे साथ चलो, आप लोग अपने हिसाब से गए थे ना इसलिए वो अपने हिसाब से, हम सबको भूख लगती है, आपको आप टेवाले होते हैं मतलब कि आपको पूरा दिन भूखा है तो चलता है, लेकिन बच्चों के लिए हमें जहाँ पे भी मिलता है वहाँ पे हम खा लेते हैं। हाँ एनीवे चलिए, तो ये थोड़ा थोड़ा बताएंगे, थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आप लोग अंदाजा मार लेने का, मेरे हिसाब से 1.25 लाख में ख़त्म हो जाएगा। इसी के साथ ये वीडियो को हम लोग इधर ही बगासा खा के एंड करते हैं, क्योंकि कल हम लोग जा रहे हैं बहुत ब्यूटीफुल जगह पे, यहाँ का फेमस जो स्पॉट है वहाँ पे, शायद रात को भी जाएं। हाँ आज रात को थोड़ा मीना बाजार का एरिया ये वो एक्सप्लोर करेंगे, बट हाँ एक चीज़ है, दुबई से अगर आप लोग हमारा व्लॉग देख रहे हो तो दुबई वाले स्पेशल लाइक करो और हमको कमेंट करो कि हम लोग कौन सी जगह पे फैमिली के साथ आराम से जा सकते हैं। मेरे को तो पता है पर इन लोगों के लिए मैं सोच रहा हूँ कि एक तो हम कब खुश और एंजॉय कर पाएंगे, जब बच्चे खुश रहेंगे और एंजॉय कर पाएंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, तो ऐसी जगह बताना जहाँ बच्चे कंफर्टेबल रहे। हाँ एक तो हो गया JBR बीच, एक तो हो गया लामेर, एक हो गया हमारा बुर्ज खलीफा, एक हो गया दुबई फ्रेम, वो तो हमने और देख लिया, अब नहीं जाना है। दुबई फ्रेम रास्ते में ही देख ली, देख ली। बहुत सारी जगह है भाई। थैंक यू सो मच, चलिए ये वीडियो इधर एंड करते, बहुत लंबा नहीं खींचेंगे, मेरे को एडिट भी करने का है। तो लाइक करके शेयर कर दो, कमेंट करके सब्सक्राइब नहीं किया है तो स्पेशल करो, और थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद, कल मिलेंगे चाका जाम कंटेंट को। इतने बगासे आ रहे हैं भाई, ओ माय गॉड, सारी का तू सो ही जाए काम कर, टाइम चेंज थी क्यों ना, नहीं थी 2 कलाक में टाइम चेंज थी क्या, तू तो अमेरिका ही हो, अमेरिका नहीं, कल रात थी जागता नहीं आता। अच्छा हाँ ओके ओके।